जो प्रीति थी अपनी बहनी की और म्यान में से तलवार लेकर मारने के लिए गयो कि उसको ही खत्म कर दूं, कोई बच्चे का जन्म ही न हो, उस समय वसुदेव ने हाथ पकड़ लिया और कहा, कह रही हो कंस, बहनी को मारेगे तो तेरी रिद्धि सिद्धि संपदा सब तेरे को त्याग कर देगी। बहनी की हत्या नहीं होती है, तुझे तो हमारे बच्चे से तेरे को भय है ना, तो जा पुत्रान समर्पयिष्यस्या यतस्ते भयम् उत्थितम्। जितने भी पुत्र होगा वो मैं तेरे को समर्पित कर दूंगा, फिर तो तेरे को कोई भय नहीं है ना। और ये कुछ बात उसको ठीक लगी, हाँ ये तर्क संगत उसको लगी, तो क्या किया, दोनों को बंदी गृह में बंद कर दिया। ये तो आखिर तो हरि इच्छा है। परमात्मा ने यही सोचा कि जिस माता पिता से मेरे को जन्म लेना है, प्रकट होना है, वो भोगी नहीं योगी होना चाहिए। पति पत्नी ये समझे कि हमारे दोनों का मिलन योग के लिए हुआ है, भोग के लिए नहीं हुआ, तो उनके वहां दिव्य संतानों का जन्म होता है भाई। फल से वृक्ष का पता चल जाता है, फल से वृक्ष का पता चल जाता है कि वृक्ष कैसा है। तुम्हारे वहां दैवी संपदा दैवी समान पुत्र का जन्म होगा। यह संयम नियम पति पत्नी में होना चाहिए भला। ये श्रृंगार है, हम दोनों मिले हैं प्रभु की प्राप्ति के लिए, ना के भोग के लिए। भोग की भी मना शास्त्र में नहीं करिए, स्मृतियों ने मना नहीं करिए, बाकी तुम्हें समझ होनी चाहिए भला। और मैं मानता हूं, इसीलिए कहूं, पति पत्नी साथ में भजन करे तो दोनों की भक्ति तुरंत सिद्ध हो जाती है। पति पत्नी दोनों साथ में भजन करे, सत्कार्य करे, सत्कृति करे, परमात्मा तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। परमात्मा उन्हीं की और छोर उसकी रक्षा भी करते, उनके साथ में निवास करे। आप यह मत समझना कि तुम्हारा परमात्मा सिर्फ मंदिर में बैठा है। क्या आप ब्रह्म को मंदिर की चार दीवार में बांध कर रख सकते हो क्या? वो मंदिर में थोड़ा ना बंधा है, वो तो जहां ऐसे पति पत्नी जो उनको मिले उनके इर्द गिर्द वो घूमता फिरता रहता है, उनकी चारों ओर वही है, और वो जहां भी जाए ये दोनों मंदिर वहीं हो जाता है, मनुष्य का बनाया हुआ मंदिर नहीं। हां पति पत्नी ये समझे हमारा दोनों का मिलन कीर्तन करने के लिए है।